हैं आगे आपको बताते हैं, सपा सांसद अफजाल अंसारी ने उपचुनाव और बहराइच हिंसा को लेकर सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव को लेकर माहौल बनाने की कोशिश हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे का नारा वो दे रहे हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये नारा नहीं कोडवर्ड है कि जो करना है कर दो। माहौल कुछ बदले तब करेंगे, माहौल बनाने का प्रयास हुआ, बटोगे कटोगे का नारा दिया गया, माहौल फिर भी नहीं बिगड़ा। लेकिन उनके इस कोड वर्ड को, ये नारा सही बहराइच, ये कोड वर्ड है, ये नारा, ये नारा नहीं कोड वर्ड है, बहराइच जो हुआ उन अराजक तत्वों के लिए कोड वर्ड है कि आप जो कुछ करना है कर दो। इस बीच आपको बताएं, बहराइच बवाल में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बवाल में मारे गए लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें आपको बताते हैं कि बहराइच के सीएमओ ने बड़ा खुलासा किया है कि बहराइच बवाल में मरने वाले लड़के के शरीर में 30 छर्रे लगने से उसकी मौत हुई है। पैरों के अंगूठों के नाखून टूटे मिले थे। इतना ही नहीं, लड़के के शरीर पर चोट और जलाए जाने के निशान भी हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह शरीर से ज्यादा खून बहना बताया जा रहा है। बहराइच में हुए बवाल का नेपाल कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है गोलीकांड का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके दो बेटे नेपाल भाग गए हैं। अब्दुल हमीद के बड़े बेटे पिंटू की नेपाल में ससुराल है और वो वहाँ सर्राफा का काम करता है। न्यूज 18 के पास उन दो आरोपियों की फोटो है जिस पर बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग करने का आरोप है। इन लोगों ने गोली चलाई थी जिससे एक लड़के की जान चली गई थी। एक लड़के के हाथ में बंदूक है जबकि दूसरा लड़का घर से लगातार पत्थर और बोतलें नीचे फेंक रहा था। पुलिस को इन्हीं मुख्य आरोपियों की तलाश है। एसटीएफ भी बहराइच के बवालियों की तलाश में जुट गई है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल और एक लड़के की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। बहराइच के सीएमओ ने जानकारी दी, शरीर में 30 छर्रे लगने से हुई मौत, पैरों के अंगूठे के नाखून टूटे हुए थे, शरीर पर चोट और जलाने के भी निशान मिले, ज्यादा खून निकलना बना मौत की वजह। छर्रों के लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है और उसके कारण मृत्यु हुई है। कितने छर्रे सर लगे हैं? 25 से 30 के करीब लगे होंगे। सर ये भी बताया जा रहा है कि बर्न है और अंगूठों के नाखूनों के साथ छेड़खानी की गई, किस तरीके से हुआ? दोनों पैर के अंगूठों के नाखून का कुछ हिस्सा गायब है और वो किसी न किसी तरह की चोट से ही पैदा हुआ है, उस तरह का घाव, तो वहाँ चोट लगी है। बर्न भी शुरू हुआ है इसमें? बर्न जैसा कुछ है नहीं है, इस पर डिटेल में वो टीम ही बता पाएगी। कुछ काला जैसा था वहाँ। मौत का सर कारण क्या रहा है? मौत का कारण छर्रों के लगने से अत्यधिक ब्लीडिंग और ब्लीडिंग से शॉक, शॉक से डेथ। बहराइच में हुए बवाल पर संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है, लोगों के दिल से पुलिस और प्रशासन का खौफ निकल चुका है। सरकार सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई करती है। हमारी मांग है एक तरफा कार्रवाई ना हो, सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार पूरी तरह से नाकाम है, फेल है और कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पा रही यहाँ पर। अगर इस टाइप की कहीं घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म समाज बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों के दिलों से पुलिस प्रशासन का खौफ निकल चुका है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई अगर करती है तो अपनी राजनीति के लिए, उन लोगों के हमारे समाज के खिलाफ दिखाने के लिए करती है। अगर अपना कानून का राज नहीं कर पा रही है तो फिर मैं तो चाहूंगा कि यहाँ बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन लगे, जिससे कि कम से कम कानून व्यवस्था का राज कायम रहे। बहराइच में मूर्ति विसर्जन में हुई हिंसा के बाद से मार्केट में दुकानें कई दिनों तक बंद हैं। तनाव वाले इलाकों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में 50 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके लड़के फरार हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है।
अब आपको ये भी बता देते हैं कि आज हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके साथ बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शपथ ग्रहण में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ चंडीगढ़ में बड़ी बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तो वहीं हरियाणा में नई सरकार के गठन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में स्थित न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव किया गया है। न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों की पट्टी हटा दी गई है। ये बड़ा बदलाव देख सकते हैं आप। साथ ही आपको ये भी बताएं कि तलवार की जगह पर संविधान को रखा गया है। परंपरागत मूर्ति की तरह ही एक हाथ में तराजू है तो दूसरे हाथ में तलवार की जगह भारत का संविधान है। इस नई मूर्ति को CGI DY चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और ये सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी से ये दर्शाती थी कि कानून की नज़र में सब बराबर है, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी। हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू इस समय भी बरकरार है, जो नई मूर्ति आप देख रहे हैं, क्योंकि ये समाज में संतुलन का प्रतीक है। दो तस्वीरें आपके सामने, सफ़ेद रंग की मूर्ति, ये नई मूर्ति है। DY चंद्रचूड़ ने इसको ऑर्डर देके बनवाया है और दूसरी तरफ आंखों पर पट्टी और हाथ में तलवार वाली ये पुरानी मूर्ति है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं यूपी में विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मिल्कीपुर को लेकर है। पूर्व विधायक गोरखनाथ की याचिका की वजह से ये चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर उपचुनाव को होल्ड पर रख रखा था। पूर्व बीजेपी विधायक ने अपनी याचिका को अब वापस ले लिया है, लेकिन अब पूर्व विधायक की याचिका वापस लेने के बाद उपचुनाव का रास्ता साफ दिख रहा है। वहीं इसे लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। पूर्व विधायक गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ले ली। पूर्व विधायक गोरखनाथ की याचिका की वजह से ही चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर उपचुनाव को होल्ड किया था। बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ ने याचिका में अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। 2022 में ये याचिका दायर की गई। अवधेश प्रसाद जी ने जो कागज लगाए, जो नोटरी कराई, वो बोकस थे। उसका लाइसेंस 6 वर्ष पूर्व खत्म हो गया था। उस पर निर्णय भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि उस पर निर्णय नहीं हुए। मेरे बात पे मैंने अधिवक्ताओं को बताया, कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने बात गई तो स्टे तो नहीं मिला, पर मेरी बात को माना और सबको इशू नोटिस, उस पर मामला चल रहा था। इसी बीच में चुनाव होता है, अवधेश प्रसाद जी सांसद बनते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो चीज़ वैसे शून्य हो गई, क्योंकि इस तरीके का ये देश का पहला मामला था। मिल्कीपुर उपचुनाव टलने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर सवाल खड़े किए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हार के डर से चुनाव को टाला गया। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मिल्कीपुर में भगवान राम बीजेपी से नाराज है। अखिलेश यादव की बातों को सुना होगा, जो जंग टाला वो जंग हारा, तो भारतीय जनता पार्टी ने टाला तो भारतीय जनता पार्टी हारी हारेगी। और ये चर्चा पूरे क्षेत्र में है कि भारतीय जनता पार्टी डर और दहशत के कारण चुनाव खटवाया है। 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री लगे हैं 2 महीने से, तो क्या ये जो मंत्री लगे हैं उसमें तो ज्यादातर ऐसे मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में हारे हैं, अपने क्षेत्र में हारे हैं, इस लोकसभा में हारे हैं, और अभी केशव मौर्या जी गए थे वो अपने विधानसभा में हारे हैं। तो हारे लोग हैं, अपने क्षेत्र में नहीं जीत पाए हैं, तो मिल्कीपुर जीता पाएंगे। मिल्कीपुर में भगवान नाराज हैं, राम जी ने पहले उनको बता दिया था, आगे भी बता देते, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया।
उपचुनाव में मचे घमासान को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। मिल्कीपुर सीट को लेकर इन लोगों का कहना है कि विपक्ष बेवजह ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है, साथ ही दावा किया कि सभी सीटें एनडीए जीतेगी। 9 सीटों का उपचुनाव घोषित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है और हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। मिल्कीपुर सीट पर निर्वाचन आयोग ने घोषित नहीं किया है, क्योंकि वहां माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन है और आज अखबारों में हमने देखा है कि वो रिट पिटीशन वापस लेने वाले हैं। निर्वाचन आयोग शीघ्र ही फैसले लेगा। जो समाजवादी पार्टी या जो विपक्षी दल हैं, वो संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न उठाते हैं। ये चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये इसके टेक्निकल कारण है, उसमें इलेक्शन कमीशन वगैरह कोर्ट में शायद है, उसके बारे में कहा है। अब मुझे लगता है इन टेक्निकल कारण से अगर चुनाव आयोग ने कोई फैसला किया है तो उस पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। और आज नहीं तो कल वहाँ चुनाव होगा, इतनी क्या हड़बड़ी है। मिल्कीपुर सीट को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। संजय निषाद और आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान ने कहा कि एनडीए सभी 9 सीटें जीतेगी। पहले 10 की तैयारी थी, अभी हम लोग 9 सीटों की तैयारी है, 9 पर प्रभारी हैं और एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग जीत दर्ज कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के और तमाम नेतृत्व से बात हुई है, मिल बैठ के हम लोग जो भी हो उन्होंने वादा किया है कि निश्चित रूप से निषाद पार्टी को सम्मान रखा जाएगा, हर सहयोगी दल को सम्मान साथ लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एनडीए चुनाव लड़ेगा, 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हम पूरी 9 सीटों की तैयारी कर रहे हैं एनडीए, और 9 की 9 सीटें एनडीए जीतेगा। जो विपक्षी दल हैं वो हताशा से परेशान हैं, वो सिर्फ अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उनके मंसूबे आदरणीय मुख्यमंत्री कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी। चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में मिल्कीपुर पर कोई भी फैसला अगर जल्द नहीं हुआ तो मिल्कीपुर का चुनाव टल जाएगा। याचिका वापसी में अगर हफ्ते भर का समय लगा तो ये चुनाव 13 नवंबर को करा पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि महज 20 दिन का ही वक्त बचेगा। ऐसे में विपक्ष के हाथ बैठे बिठाए मिल्कीपुर चुनाव टालने का मुद्दा लग जाएगा। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमरोहा में जल प्रदूषण कर रही अवैध होदियों पर पालिका का बुलडोजर चला है। पालिका ने एक दर्जन से ज्यादा होदियों को ध्वस्त किया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। नगर पालिका अमरोहा के ईओ ने बताया है कि होदियों में केमिकल डालकर कतरन और कॉटन को ब्लीच किया जा रहा था, लिहाजा अवैध रूप से संचालित होदियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। आगे बढ़ते आपको बताते हैं आगरा की खबर, जहां पर करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने के मामले में पीड़ित ने बताया है कि उसने ये जमीन साल 2022 में खरीदी थी, लेकिन 28 सितंबर को 50-60 लोग आए और उन्होंने उनके और उनके परिवार के साथ मारपीट की है। जमीन पर कब्जा जबरन किया गया है, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। डीसीपी सिटी से शिकायत करने के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। जब जमीन पर कब्जे का आरोप है उसकी कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पीड़ित ने बालाजी सहकारी समिति समेत कई लोगों पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।